Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें एडवांस बेसिक कंप्यूटर कोर्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 कंटिन्यू करना है. आज हमें सबसे पहले इस पेंट के अंदर सीखना है कट, कॉपी और पेस्ट का यूज़ अच्छे तरीके से. तो गाइज, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, तो आप क्या बताओगे? इसीलिए हम इसे सही तरीके से सीखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. गाइज, इसके अंदर देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल, ये सर्कल ले लिया, ठीक है. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे पहले कॉपी करता हूँ. तो कॉपी पे क्लिक करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी होएगा. कॉपी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसे कॉपी हो जाएगा आपका सर्कल. जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो उसी की डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाएगी. और कट पे क्या होता है, आप सेलेक्ट करिए और कट पे क्लिक करिए. तो कट पे क्लिक करने से जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा पहले वो वहाँ से रिमूव होएगा, देन उसके बाद आप उसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. देन आप इसे मूव कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे. मींस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, तो आप बताएंगे कट में क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए कट का यूज़ किया जाता है, और कॉपी का यूज़ एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आपको यूज़ किया जाता है. जैसे कि ये सर्कल था तो मैंने डुप्लीकेट बनाना था इसका, तो सेलेक्ट किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया, कॉपी देन पेस्ट, तो इसका डुप्लीकेट आ गया. तो ये डिफरेंस होता है कट और कॉपी के अंदर और पेस्ट में, ठीक है. तो पेस्ट तो आपको पता है इन सब की शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल सी से आप कट कर सकते हो, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो. तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया और कंट्रोल वी प्रेस किया, तो देखिए इसकी एक और कॉपी बन गई. ओके, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. अब बात करते हैं क्रॉप की. क्रॉप क्या, किस चीज़ के लिए काम में आता है, तो मैं पहले इसे हटा देता हूँ. क्रॉप में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, उसका अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर सकते हैं. तो कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव करने से पहले आपको इसमें पिक्चर को इंसर्ट करना होगा. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फाइल ऑप्शन में जाता हूँ और ओपन करता हूँ. ओपन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर्स को एक्सेस करने के लिए, पिक्चर को ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन देंगे. तो जैसे कि मैं इसमें आता हूँ और मैं इस पिक्चर को, जैसे इसी पिक्चर को मैंने ओपन कर लिया. ओके, ये आपसे पूछ रहा है, जैसे हम पिक्चर को ओपन करेंगे तो जो पहले से आपका डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा तो पूछेगा आपसे कि जो आप नई पिक्चर खोल रहे हो, क्या जो पहले से आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है क्या आप उसे सेव करना चाहते हो. तो फिलहाल मैं उसे सेव नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे डोंट सेव कर देता हूँ और मेरी पिक्चर ओपन हो जाएगी. देखिए ओपन हो गई पिक्चर मेरी, बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है. मैं इसे छोटा कर सकता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से आप इसे जूम कम करिएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ से कम और ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, आपको ये जूम स्लाइड बार मिल जाएगा, यहाँ से आप कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है. मैं चाहता हूँ इसके अंदर कि ये जो एसटीपी का लोगो है बस मेरे को यही चाहिए और ये बाकी सारी चीज़ को मैं रिमूव करना चाहता हूँ. तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट क्लिक करेंगे और इस एसटीपी वाले को सेलेक्ट करेंगे, ओके, और उसके बाद क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्रॉप हो जाएगी सारी इमेज और यहाँ पे वही पार्ट रह जाएगा जो कि आपने सेलेक्ट किया होगा. ओके, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्रॉप. अब जानते हैं रिसाइज के बारे में. रिसाइज में क्या होता है, जैसे कि आपको बोला जाता होगा जब भी आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर बोला जाता है आपकी जो पासवर्ड साइज़ फ़ोटो है वो 500 KB की, 200 KB की ऐसी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो फ़ोटोज़ होती है वो MBs में होती है, तो उसको किस तरीके से रिसाइज़ करते हैं वो चलिए सीखते हैं इसके अंदर. तो मैं क्या करता हूँ, न्यू ले लेता हूँ एक बार, और फाइल में जाके न्यू ले लेता हूँ, न्यू पेज, और इसे डोंट सेव कर दूँगा क्योंकि मेरे को पिक्चर क्रॉप नहीं करनी है, तो उसे डोंट सेव. अगर आपको क्रॉप करनी है तो आप सेव कर लेंगे तो वो सेव हो जाएगी. ओके, तो अब मैं यहाँ पर फाइल में जाके ओपन करता हूँ दूसरी एक पिक्चर को जिसको मैं क्रॉप रिसाइज़ कर सकूँ. तो मैं चला जाता हूँ जो डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं एक पिक्चर को ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी में एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये हमारी इस सर्टिफिकेट की मैंने पिक्चर ले ली. ओके, कुछ इस तरीके की देखिए पिक्चर आ गई हमारी, इसे छोटा कर लेते हैं यहाँ से. ओके, ये हो गई हमारी पिक्चर छोटी, जितनी हो सकती थी इसमें ये छोटी हो गई. अब क्या है, इधर देखिए इसका साइज़ यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 2.6 MB. मैं चाहता हूँ ये कि
500 KB में ये पिक्चर कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे, जो ये पिक्चर बनी है पिक्सल्स में बनी होती है, तो देखिए यहाँ पे इसके पिक्सल शो हो रहे हैं, 4100 पिक्सल है, 4158 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 5867 पिक्सल इसकी हाइट है। तो आप क्या करेंगे, इसके पिक्सल्स को कम करेंगे, जिसके वजह से इसका जो साइज़ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, रिसाइज में आपको जाना है और यहाँ पिक्सल्स को चूज़ करना है। देखिए यहाँ 4100 हो रखा है, तो आप यहाँ पे कुछ अपने अंदाजे से चेंज करके देखिए, 41 है तो मैं यहाँ पे 3000 पिक्सल करके देख चेक करता हूँ, 3000 में डाला और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करिएगा, तो यहाँ देखिएगा साइज़ कम हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए 2.6 MB का था, तो ये देखिए इसका साइज़ हो गया 1.1 MB। अगर आप इसे और कम करना चाहते हैं तो वापस रिसाइज़ पे जाइए, पिक्सल्स के अंदर जाइए और यहाँ पे इसका साइज़ और कम कर दीजिए, 2000 मैंने पिक्सल कर दिया और ओके करता हूँ। और वेट करिए, ये और छोटा हो गया। और यहाँ साइज़ देखिएगा, अभी कंट्रोल एस करता हूँ, साइज़ देखिए चेंज होके 685 KB का हो गया। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा रिसाइज़ किस तरीके से किया जाता है। किसी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो किसी भी पिक्चर को, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, रोटेट राइट 90 डिग्री में कुछ इस तरीके से, ये देखिए रोटेट हो जाएगा। रोटेट लेफ़्ट करना चाहते हैं 90 डिग्री में, तो वापस से 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट, 180 डिग्री में रोटेट करना चाहते हैं तो पूरा 180 डिग्री में आपके ये रोटेट हो जाएगी पिक्चर। फ्लिप करना चाहते हैं वर्टिकली तो कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे तो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगी। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा रोटेट। अब चलते हैं आगे इन टूल्स के ऊपर। तो इन टूल्स को यूज़ करने से पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, वापस से फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा और मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, जैसी थी पिक्चर वैसी रखना चाहता हूँ, तो इसे डोंट सेव करूँगा। और अगर इसे ऐसा ही रखना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, तो इसे सेव पे क्लिक करके सेव हो जाएगी, तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करनी है अभी। अब मैं यूज़ करता हूँ पेंसिल का, पेंसिल यूज़ करते हैं आप किसी कुछ भी रफली ड्राइंग बना सकते हैं, जैसा आप चाहें बनाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से पेंसिल का, कुछ इस तरीके से। और कलर फिल करने के लिए आप यहाँ से इस कलर फिल का यूज़ कर ही सकते हैं, आपको पता ही होगा ये कलर किस तरीके से फिल किया जाता है। बात करते हैं इरेज़र, इरेज़र टूल भी मैं आपको करवा चुका हूँ, किसी भी चीज़ को इरेज़ करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो ये इंक्रीज़ होएगा, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो ये डिक्रीज़ होगा। ओके, तो मैं इसे प्लस बना करके इसे इरेज़ कर लेता हूँ पूरा, देन इसके बाद आगे चलते हैं इसके अंदर। अगला टूल है हमारा कलर पिकअप। कलर पिकअप में क्या होता है, जैसे कि बाय द वे यहाँ पे वो कलर आपके पास मेंशन नहीं है जो कलर आप चाहते हैं, तो और यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो आप समझ में आ जाए। जैसे ये मेरे पास एक ओवल बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एक कलर चूज़ कर लिया, इस एडिट कलर्स के अंदर से कोई ये वाला जैसे कलर मैंने ले लिया। ओके, और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी यही सेम कलर आ जाए, लेकिन ये जो कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाय द वे ये कलर यहाँ पे नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन आपने यही कलर लेना है, तो आप कैसे लेंगे, आप ये आई ड्रॉपर टूल लेंगे, कलर पिकर टूल, और यहाँ पे देखिए कलर ब्लैक हो रखा है, जैसे ही मैं इसमें ला करके क्लिक करूँगा वैसे ही ग्रीन कलर इसके अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद आप ये फिल विद कलर टूल ले करके इसके अंदर कलर फिल कर सकेंगे वही सेम टू सेम। तो ये आपका कलर पिकर कलर को पिक करने का काम करता है, जिसके वजह से आप इस किसी भी कलर को चूज़ करके किसी भी शेप में या किसी भी चीज़ में किसी भी टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल है आपका, इसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ इस तरीके क्लिक करना होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आप वैसे ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स समझ लीजिए ओपन हो जाएगा। आप इसे बड़ा छोटा यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, बॉक्स है एक तरीके का, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया STP कंप्यूटर एजुकेशन, ओके, मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बड़ा करना, आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट करिए और यहाँ देखिए आपको साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट साइज़ यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। वेट करिए, आई थिंक मेरा सिस्टम ये देखिए ये खुल गया हमारा साइज़,
यहाँ पे आप देखिए साइज़ चेंज करिए, 48 पिक्सल्स का मैंने किया, देखिए 48 पिक्सल्स का साइज़ आ गया। यहाँ 72 करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो गया तो आपके बॉक्स को भी बड़ा करना पड़ेगा, तभी ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, कलर चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके रखिएगा इसे कुछ इस तरीके से, और देन यहाँ कलर चेंज पे क्लिक कर दीजिए, देखिए कलर चेंज हो जाएगा। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं यहाँ जाइएगा, कई तरीके के आपको स्टाइल्स यहाँ मिल जाएंगे, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को, ये हम आगे भी चल के बहुत अच्छे तरीके सीखने वाले, इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा, अंडरलाइन में इस पर अंडरलाइन आ जाएगी। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड पैड यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से जानेंगे और सीखेंगे। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका ये जूम टूल है, आप मैग्नीफायर, आप इसे जूम कर सकते हो, क्लिक करोगे जूम होएगा और राइट क्लिक से जूम आउट होगा कुछ इस तरीके से, जूम इन जूम आउट। ओके, बाकी यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, मैं इसे 100% पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं ब्रश के स्ट्रोक्स पे। यहाँ पे आपको कई टाइप्स के ब्रशेज़ मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ करके चेक करेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए ये ब्रश कुछ इस तरीके के स्ट्रोक से चलता है, देन ये ब्रश आपके फाउंटेन है तो कुछ इस तरीके का चलता है, तो आप इससे कई सारे डिज़ाइंस को बना सकेंगे। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं नेम वगैरह, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे STP, तो आप कुछ इस तरीके से यूज़ करके लिख सकते हैं इन ब्रश के थ्रू। जैसे ये वाला ब्रश भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिज़ाइन में लिखना है। ये स्प्रे पेंटिंग ब्रश होता है, तो आप यहाँ से भी कुछ इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। ओके, कई सारे आपको ब्रश मिल जाएंगे, आप इन सब का यूज़ करके देखिएगा, और जो ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, कई सारे क्रियॉन्स वाले ब्रशेज़ हैं, तो क्रियॉन्स वाले में भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप इन्हें चलाइएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे वर्क करते हैं सारे के सारे, बहुत इजी हैं, आप इनको आसानी से यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, ये बेसिक शेप्स मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। अब बात करेंगे आउटलाइन और फिल की, ध्यान से समझिएगा आप इसको। मैं इस सबको पहले क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अभी हमने ब्रश के बारे में जाना, क्रियॉन्स वाले थे हमारे पास, वाटर कलर वाले ब्रश थे जिससे आप कुछ भी शेप्स लिख सकते थे अपने फ्री हैंड से माउस के थ्रू। लेकिन अब हम इन्हीं का यूज़ करके शेप्स बनाएंगे, कलर फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जब आप किसी शेप को सेलेक्ट करोगे तब जाके ये दोनों आपके ऑप्शंस हाईलाइट होंगे। आपको ये चीज़ पहले डिफाइन करनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया, मैं चाहता हूँ जो रेक्टेंगल बने, रेक्टेंगल की जो आउटलाइन आए वो सॉलिड कलर में ना आकर के एक वाटर कलर में आए, तो मैंने वाटर कलर चूज़ किया। अब मैं देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल को चूज़ करता हूँ, तो देखिए रेक्टेंगल किस तरीके का बना, इसकी जो आउटलाइन थी वाटर कलर की जैसे बनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चूज़ करना है। अब आपको पहले ही चूज़ करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया इसके अंदर वाटर कलर, मैं चाहता हूँ इसमें जब फिलिंग करूँ तो क्रियॉन्स की तरह फिल हो, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वाटर कलर वाला बॉक्स, और इसके अंदर जाता हूँ फिल टूल पे, और यहाँ कलर चूज़ करता हूँ कोई सा भी, जैसे ब्लू कलर चूज़ कर लिया और यहाँ पर कलर फिल करके चेक किया, तो देखिए किस तरीके का कलर चूज़ हुआ, जैसा कि क्रियॉन्स है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रियॉन्स चूज़ किया था। वापस से आ जाइए इसमें, जैसे मैंने हेक्सागन लिया, इसकी आउटलाइन मैं चाहता हूँ क्रियॉन की तरह आउटलाइन आए और इसका फिल आए वाटर कलर की तरह। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ हेक्सागन, देखिए क्रियॉन में आया इसकी आउटलाइन, अब इसका फिल चेक करते हैं फिल कैसा आता है। फिल में जाइए और फिल करिए, देखिए इसमें भी कुछ इस तरीके का आपको कलर मिल गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको आउटलाइन और फिल अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं इस साइज़ की, साइज़ भी हम आपको करवा चुके हैं, तो मैं पहले साइज़ का यहाँ पे आउटलाइन सॉलिड कलर कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सॉलिड कलर को चूज़ कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक आउटलाइन बनाऊँगा। अब देखिए जो सॉलिड कलर में जो आउटलाइन आई है, इसकी थिकनेस बहुत ही मोटी है, मैं इसकी थिकनेस को कम करना चाहता हूँ, तो आप साइज़ में जाइए, इसकी थिकनेस यहाँ से कम और ज़्यादा यहाँ से आप इसे अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेंट का होम अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर बाय द वे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल करिएगा, हम आपके सिस्टम को अपने सिस्टम पे एनी डेस्क की मदद से ले करके आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपको आज इस वीडियो के साथ टास्क मिलेगा। इस टास्क के अंदर आपको ये दिख रहा होगा एक SBI का लोगो और ये एक HDFC बैंक का लोगो, आपको इन दोनों लोगों को
आपको बना करके मुझे व्हाट्सएप करना है हमारे इस नंबर पे, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर यहाँ पे लिख बता देता हूँ जिस नंबर से आप मेरे से जुड़े हैं, 888-288-0965। आप इस नंबर पे मुझे इस टास्क को व्हाट्सएप करेंगे कि मैं देखूँ तो सही कि आप लोग सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, अगर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो हम आगे की वीडियोस को फिर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। पहले आप इसे मेरे को करके दिखाइएगा, ओके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।